हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि जावा में आप जीयूआई कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी कोडिंग। आपको कोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपका जो डिजाइन फॉर्मेट है वो क्रिएट हो जाएगा, उसकी कोडिंग ऑटोमेटिक बैक साइड पे हो जाएगी आपकी। बट जब आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे आपको बटन को क्लिक करना है, तो उसके लिए आप कोड राइटअप करेंगे। अदरवाइज आपको कोड राइटअप करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, नेटबीन आईडी। सो नेटबीन पे हम लोग इसको वर्क करेंगे। आप अदर आईडी पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर राइटअप कर दीजिए, नेटबीन आईडी डाउनलोड करेंगे आप इसे। नेटबीन आईडी आप राइट अप करेंगे तो वेलकम टू अपाचे नेटबीन क्लिक करेंगे इसको। देन इसके बाद आप जाएंगे डाउनलोड्स पे, डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। सो इसमें से आपको डाउनलोड करना है विंडो। लिनक्स के लिए भी कर सकते हैं इसको, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा, नीचे आपको मिल जाएगा इसमें ऑप्शन। मैक ओएस के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, प्रोसेस सेम रहेगा आपका। हम लोग विंडो के लिए डाउनलोड करते हैं। exe फाइल आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इसे आप डाउनलोड करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको क्रिएट करना है। इसके बाद आपके पास लिंक हैं बहुत सारे, फर्स्ट लिंक को क्लिक कर दीजिए, सेकंड लिंक को क्लिक कर दीजिए आप, तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं सेकंड लिंक को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेकंड लिंक को क्लिक किया, मेरा डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जब भी आपका डाउनलोड हो जाए तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा। मैं डाउनलोड फोल्डर पे जाके इसे चेक कर लेता हूँ। तो मेरा ये है अपाचे नेटबीन 12.5 मेरा डाउनलोड हुआ है। आपका 12.6, 12 कोई भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हुआ हो तो उसे आपने इंस्टॉल करना है। और एक बात और आपको याद रखनी है, अपाचे नेटबीन को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे पहले आपके सिस्टम पे जेडीके इंस्टॉल होना जरूरी है, क्योंकि ये जेडीके को एक्सेस करेगा आपका। तो जेडीके भी आप देख लीजिएगा, जेडीके का लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए, 16.0.1 आपका है। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ और इंस्टॉल किया है मैंने अपने सिस्टम पे। जेडीके मेनली आपका जावा के प्रोग्राम आपको रन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ वी कैन इंस्टॉल दिस, अपाचे को इंस्टॉल करते हैं। डायरेक्टली एक से पहले डबल क्लिक कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट हमने परफॉर्म किया कि ये प्रोसेस कर रहा है अभी। नाउ इट इज इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन। अब देखिए यहाँ पर वेलकम टू अपाचे नेटबीन आईडी 12.5 इंस्टॉलर, इसमें बेस आईडी जावा सी, जावा सी इट कैन बी शोइंग हियर। एंड आप नेक्स्ट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट करेंगे, क्लिक कर दीजिए एग्रीमेंट पे, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आपका देखिए ये प्रोग्राम फाइल के अंदर नेटबीन आपका 12.5 एक एक्सेस हो रहा है। उसके अलावा इसने जेडीके आपका एक्सेस कर लिया, प्रोग्राम फाइल जावा एंड अपाचे आईडी जो है वो आपका ये अवेलेबल है, 70.0.1 मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। नेक्स्ट आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, दोनों चीज को आप चेंज कर सकते हैं ड्राइव। तो इस समय हम लोग सेम ही प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, आप इंस्टॉल कर दीजिए, आपका आईडी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की कंडीशन परफॉर्म करनी है, आपको कोड कुछ भी राइट अप नहीं करना। हाँ, अगर आपको एक्शन परफॉर्म करना है तब आप इसमें कोड राइट अप करेंगे। मान लीजिए आपको बटन को क्लिक करना है, एक्शन कुछ परफॉर्म करना है, तो वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी हम लोग केवल ग्राफिकल यूजर आप कैसे क्रिएट, जीयूआई कंपोनेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे। बटन कैसे क्रिएट करेंगे, लेवल कैसे आप एक्सेस करेंगे, कलर आप चेंज कैसे करेंगे, वो सारी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। वेट कीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका इंस्टॉल होने में। नाउ अब आप ये इंस्टॉल हो गया है प्रॉपर वे में, देन आप क्लिक कर दीजिए फिनिश को। फिनिश को आप क्लिक करेंगे तो आपका नेटबीन आईडी यहाँ पर ओपन होगा। अगर ओपन नहीं होता है तो आप ओपन कर लीजिए सर्च मेन्यू में जाके, नेटबीन आईडी आपको राइट अप करना है। अपाचे नेटबीन आईडी 12.5 मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँ तो ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद हम लोग इसमें प्रोसेस देखेंगे कि कैसे आप जीयूआई कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो ये क्या है, सेटिंग क्रिएट ऑन प्रीवियस वर्जन ऑफ मींस प्रीवियस वर्जन ऑफ नेटबीन, ये मेरे इसमें बोल रहा है, आपके इसमें नहीं बोलेगा। ये कंफर्मेशन मांग रहा है मुझसे कि प्रीवियस वर्जन को मैं अपडेट कर दूं करके। तो मेरे इसमें ये अपडेट हो चुका है। नाउ ये मेरा ओपन हो गया है नेटबीन आईडी 12.5।
सो बाय डिफॉल्ट इनिशियली आपको इस टाइप से ये होम पेज शो करेगा। इसमें इसको स्टार्ट पेज है आपका ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नए प्रोजेक्ट के अंदर आप डिफरेंट जीयूआई क्रिएट करेंगे। एंड स्टार्टिंग में आपसे ये इंस्टॉलर भी मांगेगा कुछ कि वेलकम टू नेटबीन आईडी प्लगइन इंस्टॉलर। प्लगइन इंस्टॉलर को आपने इंस्टॉल करना है, तो आप नेक्स्ट कर दीजिए इसको। एंड इसके बाद आई एक्सेप्ट कर दीजिए एग्रीमेंट और इंस्टॉल कर दीजिए सारे प्लगइन, मींस रिलेटेड टू योर बटन, ऑल दिस प्लगइन इट कैन बी एक्सेस। सारे प्लगइन ये एक्सेस कर लेगा, देन आप फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद अब आपका ये मेन पेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब आप एक्शन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको जाना है फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर लीजिए। न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे आप, देन आपका यहाँ पर शो करेगा ये। इसके बाद जावा विद आंट है आपका, जावा एप्लीकेशन को आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे कुछ फीचर्स इंस्टॉल करने को बोलेगा। तो देखिए अभी ऑप्शन दे रहा है, ये यहाँ पर एक चेक फील्ड दे रहा है, तो इसे आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद है डाउनलोड एंड एक्टिवेट कर दीजिए इसको। क्लिक करेंगे आप तो आपके जितने भी फीचर्स हैं वो डाउनलोड एंड एक्टिवेट हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट आपको ये स्टार्टिंग में भी बोल सकता है, यहाँ पर भी बोल सकते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। देन एक्सेप्ट कर लीजिएगा आप इसे एंड इंस्टॉल कर दीजिएगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो सारे प्लगइन आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। देन इसे फिनिश कर दीजिए आप, एंड इसको फिर आप, ये आपका एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर, एक्टिवेट जावा एसी आपका एक्टिवेट हो रहा है। जब ये कंप्लीट एक्टिवेट हो जाएगा देन आपका फिनिश का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो वेट कीजिएगा। देन आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, तो प्रोजेक्ट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो मैंने लिख दिया है डेमो डेमो। और आप मेन क्लास ऐसे मत बनाइए, वैसे तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने क्रिएट भी कर ली तो आप मेन क्लास को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग इसे मेन नहीं बनाते, मेन हम लोग जे फ्रेम के थ्रू बनाएंगे। तो आप इसे फिनिश कर दीजिएगा। जैसे आप फिनिश करेंगे, देखिए यहाँ पर आप डेमो नेम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसमें सोर्स पैकेज है, लाइब्रेरी है, इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट। अब आप सोर्स में जाइए, देखिए आप सोर्स में जाके आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको जे फ्रेम फॉर्म क्रिएट करना है। तो क्लिक आप करेंगे फॉर्म का नेम, जस्ट लाइक एज अ क्लास नेम, क्लास नेम की तरह आप करेंगे। सो मैं यहाँ पर दे देता हूँ डेमो फ्रेम। डेमो फ्रेम मेरा ये क्रिएट हो जाएगा। देन आपको कुछ नहीं करना है और फिनिश कर देना है आपने। फिनिश आप करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट होकर आ जाएगा। यहाँ पर पैलेटी आ जाएंगे आपके, जिसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो देखिए ये अब एक फॉर्म यहाँ पर शो हो चुका है। तो साइज आप देखिए, इस फॉर्म का साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये डिजाइन व्यू है इसका। इसके अलावा यहाँ पर आपको पैलेटी शो हो रहा है। पैलेटी में आपको लेबल मिल रहे, डिफरेंट कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं, स्विंग मेन्यू आपको मिल रहा है। इसके अलावा विंडो से रिलेटेड टूल्स आपको मिल रहे हैं। इसकी इसकी प्रॉपर्टी भी आपको मिल रही है, विंडो की प्रॉपर्टी। आपको विंडो के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं वो आप प्रॉपर्टी से, इसका कलर, बैकग्राउंड, ऑल चीज आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अभी मान लीजिए आपको अगर मेन्यू बनाना है, सेम ऐसी मेन्यू बनाना है, फाइल, एडिट, व्यू, ये सब, तो आपको यहाँ पर से मेन्यू बार लेना है। मेन्यू बार आप लेंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये एक मेन्यू बार यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, आपका मेन्यू बार क्रिएट हो चुका है। अब आपको इसमें मेन्यू आइटम ऐड करने हैं, तो मेन्यू आइटम आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऐड कर दीजिए नया मेन्यू आइटम। या आप राइट क्लिक करके भी ऐड मेन्यू कर देंगे। ऐड मेन्यू में आप एडिट के बाद व्यू कर दीजिए, वो शो नहीं कर रहा है, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। एडिट करना है टेक्स्ट में आपने, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, व्यू एंटर कर दीजिए। देखिए नया व्यू आपका क्रिएट हो चुका है। सेम ऐड मेन्यू करके आप डिफरेंट मेन्यू यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सब मेन्यू क्रिएट करने हैं और मेन्यू आइटम आपको क्रिएट करने हैं, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेन्यू, देन आप इस पे क्लिक करेंगे। देखिए मेन्यू पे आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड किया आपने फाइल के अंदर, हम लोग ओपन कर देते हैं। ओपन किया, एंटर कर दिया मैंने। शॉर्टकट की भी आप दे सकते हैं, इस शॉर्टकट की के थ्रू आपका ओपन हो जाए नेक्स्ट पेज, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। अगेन उसके अलावा आपको कुछ लेवल लेना है, तो लेवल आप ड्रैग करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप लिख दीजिए वेलकम टू आवर चैनल। मैंने लिख दिया है, देखिए अभी टेक्स्ट बहुत स्मॉल दिख रहा है, तो राइट क्लिक कीजिए आप, नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर भी दिख रही है। आप इस लेबल को क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में आप इसका फॉन्ट चेंज कर दीजिए, फॉन्ट आपको चेंज करना है।
बोल्ड मैंने कर दिया 36, ओके कर दिया। देखिए फॉन्ट चेंज हो गया है, फोरग्राउंड कलर, फॉन्ट का कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप ले लीजिए, ओके करेंगे आप, कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, बट दैट टाइम इनपुट में इशू नहीं करेगा बैकग्राउंड, बट आप इसको आउटपुट करेंगे जब रन करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से बटन एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी चेक बॉक्स आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप लिस्ट बॉक्स ले सकते हैं, नेक्स्ट रेडियो बटन आपका हो सकता है, टॉगल बटन है आपका, कॉम्बो बॉक्स है, प्रोग्रेस बार है, इसके अलावा आपका पासवर्ड फील्ड है, पासवर्ड फील्ड आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए इसके। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तीन ऑप्शन आपको मिल रहा है, डिजाइन, हिस्ट्री एंड सोर्स। सोर्स में जाएंगे तो ये कोड ऑटोमेटिक आपका क्रिएट हो रहा है, कम्प्लीट कोड, कम्प्लीट कोड आपका ये ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो रहा है। जैसे मैं अगर ये प्लस को क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पर हमने एक बटन लिया है जिसकी कंडीशन दे रहा है ये बैकग्राउंड कलर, ऑल कंडीशन इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, कोड जो है वो सारा आपका क्रिएट हो रहा है। अब देखिए अगर आप इसे रन करेंगे तो रन करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन भी है और एक डायरेक्ट मेन्यू भी है आपके पास। तो ये ऑप्शन में इस बटन को क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा कि ये मेन क्लास आपकी यही है, हाँ हमारी मेन क्लास ये है, ओके आप करेंगे, ओके करने के बाद आप चेक करिए यहाँ पर, तो ये आउटपुट में हमें शो करेगा एक फ्रेम जिसके अंदर ये डिजाइन फॉर्मेट होगा आपका। देखिए ये रन हो रहा है, रन होने के बाद आप चेक कीजिए, ये देखिए अब ये रन हो चुका है। देखिए फाइल के अंदर सब फाइल बनाया, सब मेन्यू बनाया था हमने ओपन, तो ये ओपन सब मेन्यू है, इसके अलावा ये लेबल है, ये पासवर्ड फील्ड है, ये सब एडिट आपको करना है राइट क्लिक करके, आप केवल आपको डिजाइन करना है, कोड आपका ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है। तो ये GUI आपका क्रिएट करने के लिए होता है जावा में। तो ये सिंपल आपका है कि कैसे आप इसे क्रिएट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करना है आपने, ड्रॉप करना है। नेक्स्ट कंडीशन है अगर आपको पेलेटी नहीं शो हो रहा है तो आप विंडो पे जाइए, विंडो पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा आईडी टूल के अंदर पेलेटी, आप क्लिक करेंगे तो पेलेटी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ये सारा आपका यहाँ पर से ऑपरेशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने गलती से किसी को एज अ मेन क्लास क्रिएट कर दिया है तो आपको क्या करना है, इस डेमो पे जाना है, राइट क्लिक करना है, इसकी आप किस पे चले जाए, प्रॉपर्टी पे चले जाइए, प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, रन में जाएंगे, रन के बाद आप मेन क्लास को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर ब्राउज में जाएंगे, यहाँ पर आपको जितनी भी आपने जे फ्रेम क्रिएट करे होंगे सोर्स पैकेज के अंदर वो आपको शो कर देगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्रिएट करूँ, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, सोर्स पैकेज में मैं नए जे फ्रेम क्रिएट कर देता हूँ, एक जे फ्रेम, और इसे मैं बना देता हूँ डेमो क्लास, डेमो क्लास मैंने बना दिया और इसे फिनिश कर दिया है। देखिए दूसरा फ्रेम मेरा क्रिएट हो चुका है और मैं यहाँ पर कुछ लेवल ले लेता हूँ, डायरेक्ट मैं केवल वैल्यू ले रहा हूँ, अभी कंडीशन इसके अंदर राइटअप नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड फील्ड मैंने ये राइटअप कर दी। अब देखिए मैं अगर रन करूँ तो मेरी जो मेन क्लास है वो रन हो रही है आपकी, जो प्रीवियस कोड था रन ये वाला होना चाहिए, तो इसे आपको मेन बनाना है। तो मेन बनाने के लिए आपको डेमो पे जाना है, डेमो के बाद आपको हिस्ट्री पे जाना है, हिस्ट्री के बाद आपको रन पे जाना है, रन पे देखिए ब्राउज करेंगे आप, ब्राउज पे आप डेमो क्लास को मेन क्लास बना दीजिए, सेट एज अ मेन क्लास अब मैंने कर दिया है, ओके आप करेंगे, देन इस टाइम अब आप रन करेंगे तो आपकी मेन क्लास जो है सेट हो चुकी है ये वाली फाइल, तो आपका जे फ्रेम सेकेंड जो होगा वो ओपन होगा अब, क्योंकि आपने इसे मेन क्लास बना दी। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं, हाइपरलिंक आप कर सकते हैं एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका, जब डेटाबेस कनेक्टिविटी हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग होम पेज, लॉगिन पेज, ये सब क्रिएट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।